पॉर्न वीडियो देख के फांसी का फंदा गले को अटक गया और उसकी जान निकल गई। ये अभी 2 दिन पहले ही नागपुर में घटना हुई, उसके बारे में बातचीत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में मुंबई में अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पॉर्न वीडियो लोगों को लगता है कि वो सही है। पॉर्न वीडियो ये एक कलाकारी है, ये एक्टर लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो फोटो निकालते हैं, शूट करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं, उसमें जैसा है वैसा कोई सत्य रहता नहीं है, वो एक्टिंग है, मगर लोगों को लगता है कि वो सच है और उससे काफ़ी बीमारियां होती रहती है। जैसे कि पॉर्न वीडियो देख के लोगों को लगता है कि मेरा उतना लंबा होना चाहिए, उतने देर तक चलना चाहिए, आधा आधा एक एक घंटा, और फिर उसमें प्रॉब्लम लोगों को आते रहते हैं। अभी ये जो घटना हुई है महाराजा लॉन्च नागपुर में, युवक युवती वहां गए थे और पॉर्न वीडियो में देखकर उन्होंने सेक्स करने के लिए वो युवक को, तरुणी ने वो उसको बांध लिया, कुर्सी को बांधा, और बांधने के बाद में उसको गले को कुछ बांध लिया। अभी एग्जैक्ट वो मुझे भी मालूम नहीं है कि भाई कौन सा पॉर्न ऐसा है या कौन सा पॉर्न वीडियो के गले को भी बांध देंगे या गले के आसपास वो मतलब जो रस्सी है वो बांध देंगे, पता नहीं। मगर उनको जो दिखा अल्टीमेटली पुलिस आने के बाद में, वो ऐसा कि वो युवक को बांध लिया था, बांधने के समय भी उसका फोटो निकाला था, बांधने के बाद में वो युवती जो है वो बाथरूम में गई, ये इधर नीचे गिर गया कुर्सी समेत और फांसी का फंदा गले को लगे वो तुरंत वहां मर गया। मतलब क्या क्या लोग करते रहते हैं ये हमको पता ही नहीं है। कहाँ से एक्साइटमेंट, कैसी एक्साइटमेंट आएंगी और वो एक्साइटमेंट के लिए लोग कहाँ तक चले जाएंगे पता ही नहीं, अनजान रहते हैं। उनको लगता है कि पॉर्न सही है। मेरा यही कहना है कि पॉर्न वीडियो जो है वो सही नहीं है, एक्टिंग है और उसको जैसा करना नहीं चाहिए, उसके प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल है, वो पैसे कमाने के लिए, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो आती है तो वो भी माल खपाने के लिए, उनको बेचना पड़ता है माल, इसलिए वो आती है एडवर्टाइजमेंट, इसलिए पॉर्न वीडियो बनते। तो उसके तरफ न जाते हुए जो नेचुरल है वो, तो उसके तरफ न जाते हुए जो नेचुरल है वो करना चाहिए। और मैं काफ़ी ये प्रयास करता हूँ कि मेरे वीडियोस में जितना भी सेक्स एजुकेशन करना है वो करते रहता हूँ, ताकि लोग नेचुरल नॉर्मल सेक्स करेंगे और अपना लाइफ अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।